ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अपने बारे में कभी भी छह बातें किसी को नहीं कहनी चाहिए। आपने कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि निजी जिंदगी में आप वैसे ही बनते चले जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। यही कारण है कि आपने अनेक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर को ये कहते सुना होगा कि हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातें करो। ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, लेकिन खुद का आत्मविश्वास कभी कम मत होने दो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आप पर नेगेटिव असर डालती हैं और आपके आत्मविश्वास को कम करती है। तो चलिए, पहली चीज़, कई लोग खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वे उतने सही या सक्सेसफुल नहीं हैं जितना बाकी लोग हैं। ऐसा अपने बारे में सोचना बहुत निराशाजनक है, इसलिए ऐसा खुद के बारे में कभी न कहें, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, फिर देखिए धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने लगेगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वे इस काबिल ही नहीं है कि कोई उन्हें प्यार करे, और ऐसा सोच सोच कर वे खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब सही समय आएगा तब आपको अपना जीवन साथी अपने आप मिल जाएगा। इसलिए हमेशा खुश रहें और खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचें। कुछ लोग किसी को काम करने से पहले ये सोच लेते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है यार, और फिर यही सोचकर काम शुरू ही नहीं करते। आपका ऐसा रवैया आपके खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए अपनी खूबियों और स्किल को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। साथ ही बिना किसी काम को शुरू किए ही अपने कदम पीछे नहीं हटाएं। फेल होंगे तभी तो सक्सेसफुल होंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे किसी काम को बहुत ही मन लगाकर शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में आने वाले परेशानियों से तंग आकर वे ये कहने लगते हैं कि यार अच्छा होता अगर मैं इसे बीच में ही छोड़ देता। कई बार वे मंजिल को बेहद करीब आकर काम को छोड़ देते हैं और फिर बाद में निराश होते हैं। ज़रूरी है कि आप अपने गलत नज़रियों को बदलें और अपनी लाइफ गोल सेट करें, और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसे पूरा करने में लगे रहें। कुछ लोगों को अपनी लाइफ से बहुत शिकायतें रहती हैं, और वे अक्सर ऐसा कहते मिल जाते हैं कि मेरी तो लाइफ ही ख़राब है यार। ऐसा वो लोग ज़्यादा करते हैं जो ज़िंदगी में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलों से परेशान हो जाते हैं। इसलिए काम को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और फिर एक एक करके सबको निपटाएं। कुछ लोग अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई है ही नहीं जिससे वे अपना सुख दुख बांट सकें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार बाहर निकलिए, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए और फिर देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा पहल खुद करें। आप इस बात का खास करके ख्याल रखिए कि पहल आपको करनी है, फिर कुछ ही देर में पाएंगे कि आपके आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा लग गया है जो आपकी खोज खबर रखते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।